नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेहत साथी में। दोस्तों, आज हम आपके जानकारी के लिए लेकर आए हैं पांच बेहतरीन सप्लीमेंट्स जो कि 30 की उम्र में महिलाओं को ज़रूर लेने चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर की ज़रूरतें भी बढ़ती जाती हैं। डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार महिलाओं को 30 साल की उम्र के बाद कुछ खास सप्लीमेंट्स ज़रूर लेने चाहिए। आइए जानते हैं कि वो कौन से पाँच सप्लीमेंट्स हैं। शरीर को पूरी तरह सेहतमंद रखने में संतुलित खान पान की अहम भूमिका होती है। इसके साथ ही जो आपको सप्लीमेंट चाहिए वो हैं फोलिक एसिड। कोशिकाओं के विकास के लिए फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। अगर आप 30 साल की हैं या फिर प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो अपनी डाइट में बी विटामिन फोलेट की मात्रा बढ़ा दें। इसके सप्लीमेंट्स किसी भी दुकान से खरीदे जा सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण सप्लीमेंट्स है, आयरन। आयरन 30 की उम्र में एक ज़रूरी मिनरल है। महिलाओं में आयरन की कमी होने का खतरा ज़्यादा होता है। इसकी कमी से शरीर में हर समय थकान महसूस होती है। इसके अलावा आयरन की कमी से इन्फेक्शन की संभावना भी बढ़ जाती है। तीसरा सप्लीमेंट्स है विटामिन डी। विटामिन डी अतिरिक्त कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। यह दिल की बीमारियों से बचाता है और वजन घटाने में भी मदद करता है। 30 की उम्र के बाद आप विटामिन डी का सप्लीमेंट जरूर लें। चौथा सप्लीमेंट्स है मैग्नीशियम। शरीर के लिए मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये शरीर में प्रोटीन और हड्डी बनाने में मदद करता है। ये ब्लड शुगर को भी स्थिर रखता है। मैग्नीशियम की कमी वाली महिलाओं को मांसपेशियों में ऐंठन, थकान, मूड डिसऑर्डर, हाई ब्लड प्रेशर, अनियमित दिल की धड़कन, मितली और मांसपेशियों में कमजोरी का अनुभव होता है। पाँचवा अहम योगदान रखने वाला सप्लीमेंट्स प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया होते हैं जो आंत के लिए अच्छे होते हैं। ये सप्लीमेंट्स डायरिया या IBS जैसे पाचन संबंधी दिक्कतों को दूर करने में मदद करते हैं। प्रोबायोटिक्स एलर्जी से भी बचाता है। हालांकि किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार परामर्श जरूर लें। दोस्तों, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।